हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले ऑफ GTA 5। तो गाइस, आज फ्रैंकलिन जा रहा है माइकल के यहाँ पे, और माइकल के यहाँ पे कुछ सीन चल रहा है बहुत तगड़ा। तो आज का जो वीडियो है इसी से रिलेटेड है, और आज हम मिशन भी इसी के रिगार्डिंग कंप्लीट करेंगे। तो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स प्ले द GTA 5। सो गाइस, आज फ्रैंकलिन मिलने आया है माइकल से, तो देखते हैं कि माइकल आज उसे क्या काम देता है। और आज वो एक यहाँ पे स्पोर्ट कार से आया है। तो गाइस, फाइनली गाड़ी खड़ी करके, अरे ये कौन कूदा भाई, ये कोई भाग रहा है इनके घर से, और ये रेड कार में भाग रहा है इसको। अरे भाई, यहाँ क्या चल रहा है? Bullshitting. It wasn't like that. You in? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him! Oh no. तो गाइस, यहाँ पे पता लगा है कि जो फ्रैंकलिन की वाइफ है, oh सॉरी, जो माइकल की वाइफ है उसको धोखा दे रही है। तो अभी हम उस टेनिस वाले को मारने जा रहे हैं। ये टेनिस कोच है और ये यहाँ पे उल्टा सीधा काम कर रहा है। तो वी विल किल हिम, तो लेट्स गो फास्टली एंड सी हिम। तो गाइस, ये इसके घर पे आके इसकी बीवी के साथ पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं उसको पकड़ के, हम लोग मारेंगे। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं उसको पकड़ने, क्योंकि वो अमेंडा के साथ, ये माइकल की पत्नी, उसको धोखा दे रही है। तो हम उसको सबक सिखाना चाहते हैं कि ब्रो अभी तू बच। तो फाइनली गाइस, हम लोग उस टेनिस प्लेयर के घर के पास आ गए हैं जो माइकल के घर से बिना कपड़ों में भागा है। तो अब हम उसको क्या करेंगे, अब बताते हैं कि हम उसका क्या कर सकते हैं। तो भाई, यही उसकी कार है। तो माइकल की जो वाइफ है उसको धोखा दे रही है। Cable to one of those supports up there. You finna pull this deck down? Hey, that prick pulled my marriage down. Man, you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I told you I comped the session, bud. तो गाइस, यही वो बंदा है। तो माइकल ने इसको बोला है कि भाई इसमें रस्सी लगा और इसके घर को हम गिराते हैं। तो भाई, अभी माइकल इस टेनिस कोच के घर को गिराने वाला है, क्योंकि वो बहुत गुस्से में है, क्योंकि इसकी वाइफ उसको चीट कर रही है। तो फाइनली फ्रैंकलिन ने रस्सी बांध दी है। तो माइकल बहुत गुस्से में, भाई तो गाइस, माइकल ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि हम इसके घर को गिराने वाले हैं। तो अभी हम एक्सलेट देके देखते हैं इसके घर गिरता है कि नहीं। तो फाइनली हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इसका घर गिर जाए। हम तो गाइस, उसका घर फाइनली टूटने लग गया है। ओह
ओह नो गाइस, ये तो बहुत ही, माइकल बहुत गुस्से में है और उसने देखो क्या कर दिया। ओह शिट यार, फाइनली उसका घर भाई टूट गया। तो फाइनली गाइस माइकल ने उसका घर तोड़ दिया। अब वो जा रहा है अपने घर पे। तो गाइस उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो टेनिस प्लेयर को एक लेसन सिखाना चाह रहा था कि किसी के घर को बर्बाद करने से तुम्हारा ही घर बर्बाद हो। तो अब हम लोग जा रहे हैं माइकल के घर पे दोबारा से। I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. तो गाइस फाइनली माइकल के फर्स्ट फोन आया है उस टेनिस प्लेयर का। वो कह रहा है कि वो मेरा घर नहीं है, वो एक गैंगस्टर का घर था जिसको माइकल ने गलती से तोड़ दिया है। और अब माइकल मतलब गैंगस्टर बदला लेने आ रहा है उससे। तो भाई अभी हमारे पीछे गैंगस्टर पड़ गए हैं। तो गाइस अभी हमारे पीछे पड़ गए हैं गैंगस्टर। तो हमें भागना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही बड़े गैंगस्टर हैं जिनका हमने घर तोड़ दिया है, उसके गुंडे पीछे पड़ गए हैं। तो इस टाइम टू जस्ट तो फाइनली गाइस हमने गैंगस्टर लोगों से पीछा छुड़ा लिया है और अब हम जा रहे हैं घर पे अपने, मतलब माइकल के घर पे। तो फाइनली हम लोग घर पे आ गए गाइस। I had no idea it was going to get that hot. Shit, pulling houses off the hillside. तो माइकल से आज बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने गलती से एक गैंगस्टर का घर तोड़ दिया और उसने समझा कि ये टेनिस प्लेयर का घर है। लेकिन गाइस फाइनली वो गैंगस्टर आ गया जिसका घर माइकल ने तोड़ा है। I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Frank. License. Now, Franklin. Maybe hell, Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. तो गाइस ये मार्टिन मद्रासो है और ये गैंगस्टर है एक। Man, Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. तो गाइस माइकल ने गलती से इस मार्टिन मद्रासो का घर तोड़ दिया है। तो अब वो उसे बताने आया है कि एक किसी का घर तोड़ने का मतलब क्या होता है। Well, that was a strange house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance the rebuild, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range? Of course. Great. तो गाइस फाइनली ये मार्टिन मद्रासो
माइकल को धमकी देके गया है कि जितना पैसे का घर था तुमने उसको बर्बाद कर दिया, अब उतने ही पैसे तुम्हें मुझे कमा के देने पड़ेंगे। तो गाइस माइकल अभी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है क्योंकि उसने एक गैंगस्टर का घर तोड़ दिया है और गैंगस्टर ने उसे धमकी दी है कि बेटे जितने की घर की कीमत थी वो पैसे वापस कर दियो नहीं तो तेरी जिंदगी मैं ख़त्म कर दूंगा। माइकल अपने घर पे आ गया है और उसे गुंडों ने धमकी दी है कि अगर तुमने हमारे पैसे वापस नहीं किए तो हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो माइकल अभी लिटिल बिट टेंशन में है कि वो क्या करे और इतने सारे पैसे कहाँ से लाए। तो गाइस देखते हैं कि अब माइकल के साथ और क्या क्या होता है। तो गाइस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और मैं मिलता हूँ आपको GTA 5K next video. Till then, see you guys.